उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं उनके साथ खेलूंगी, लेकिन मुझे उनके साथ अभी नहीं खेलना है। ये देखिए काटेगी, अभी अभी काटेगी, अभी काटेगी, अभी काटेगी। सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बीस सती ब्लॉग में। सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ, तो अब मैं बाहर की जो चेयर है वहाँ पे थोड़ा सा बैठी हुई हूँ और मेरी पुष्की को मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। देखिए पुष्की बेबी, ब्रेकफास्ट हो चुका है पुष्की बेबी का, बैठना है। ये देखिए पुष्की बेबी, हम लोगों का अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है लेकिन पुष्की का ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो आज यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से काम तो मतलब रसोई में खाना पकाना तो कंप्लीट हो चुका है, अब बाकी सारा काम जो है वो बाकी है। बाबा के पापा अभी तक ड्यूटी नहीं गए हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, टिफिन रेडी करना है, और बाबाई का आज एग्जाम है तो वो स्कूल चला गया है। और पुष्की यहाँ पे बैठी हुई है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं उनके साथ खेलूंगी लेकिन मुझे उनके साथ अभी नहीं खेलना है। ये देखिए काटेगी, अभी अभी काटेगी, अभी काटेगी, अभी काटेगी, अभी काटेगी, अभी काटेगी, अभी काटेगी, मुझे पता है काटेगी, अभी काटेगी। आ आ आ आ आ आ आ बाप रे काट देगी, मुझे पता है। अब नो नॉटी। तो दिन की जैसी शुरुआत होती है वैसी हो चुकी है। खाने में क्या क्या बना है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज बनाया है ये कैबेज की सब्जी और ये है सोया चंक्स, पपीता, आलू, सबको मिक्स करके एक सब्जी। दिन और रात दोनों टाइम के लिए ये है और ये शायद लंच में ही कंप्लीट कर लूंगी। दो दिन से यहाँ पे ये अंडे रखे हुए हैं, संडे को आया था, आज तो वेडनेसडे हो चुका है, आज तो बुधवार हो चुका है, फिर भी ये रखा हुआ है और अभी तक मैं इसे फ्रिज में शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ। बिस्तर फैला हुआ है तो सबसे पहले इसको समेट लेती हूँ। दूसरे दिन नींद से उठते ही मेरा जो इलाका है सोने का उस जगह को मैं साफ कर लेती हूँ, लेकिन आज पुष्की वहां पे आके सो गई तो इसके लिए वो भी नहीं कर पाई हूँ। अभी जल्दी जल्दी पहले बिस्तर अगर साफ ना करूं तो दिल में एक ऐसी चीज काम कर जाती है कि आज बहुत सारा काम है, काम नहीं करना है, और ऐसे ये आलस चला आता है। तो सबसे पहले अगर नींद से जग के बिस्तर साफ कर लेते हैं हम लोग ना, तो काम की जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ये टाइम है शाम का, और जैसे कि आपने देखा कि बाबाई के जो टीचर है वो आ चुके हैं, तो उनके लिए अभी चाय बनानी है मुझे और उसके बाद आटे तैयार करके रोटी बनानी है। और बाबाई के पापा आके मशरूम जो है वो मैंने तो आपको दिखाया नहीं है, मशरूम खरीद के रखा हुआ है, आपको दिखा लेती हूँ। फ्रिज में रखा हुआ है मशरूम, तो ये मशरूम आज बाबाई के पापा आके बनाएंगे, अगर जल्दी आए तो ही बनाएंगे। बाबा के पापा आके ये बनाएंगे तो उसकी जो तैयारी है वो मुझे पूरी तरीके से करके रखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि चाय पी के मैं रोटी तैयार करके उसके बाद मैं खाने का जो प्रिपरेशन है वो करके रखूंगी, और बाबा के पापा अगर जल्दी आए तो बनाएंगे, अगर नहीं आए तो मैं कल इससे लंच बनाऊंगी, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी सर को चाय दे देती दे हूँ बनाकर। तो दोस्तों यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है। तो एक चीज ऐसा लगती है कि एक जिंदगी में सब कुछ पाना तो पॉसिबल है नहीं। मेरा जो घर है वो बहुत ही छोटा सा घर है और रसोई घर भी आप लोग देखते हैं कि बहुत ही छोटा सा है, जोर से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अपनी छोटी सी रसोई घर में बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या है ना, कभी कभी कोई जब सुबह को बहुत ज्यादा भगदड़ लग जाती है, खाना बनाना है,
फिर टिफिन तैयार करना है, तब ये जो रसोई घर है मुझे छोटा लगता है, वरना दूसरे टाइम मुझे इतना छोटा लगता है नहीं। आप लोग बोलेंगे तुम्हारा रसोई घर कितना छोटा है, छोटे रसोई घर में तुम काम करती हो, छोटा ही रसोई घर सही होता है। लेकिन क्या है ना कि जब भगदड़ मच जाती है तब वो छोटा लगता है, दूसरे टाइम आप साफ करने जाओ कितना बड़ा होता है। तो सर को चाय देके चली आई हूँ और अब एक पैकेट दूध भी लाई हूँ, ये बाद में गर्म करूंगी, यहाँ पे रहने दो। और ये बादाम बिस्किट लाई हूँ मैं, मेरा चाय बना लिया है। और ये 3 पैकेट बादाम लाई हूँ, एक बाबाई के पापा के लिए, एक मेरे लिए और एक बाबाई के लिए। ये खाना मुझे बहुत पसंद है। बाबाई पढ़ाई कर ले उसके बाद ये खाएंगे हम लोग, तब तक चाय पी लेती हूँ बिस्किट के साथ। अभी गर्मी आ चुकी है, ये फ्लोर पे ही आप ज्यादा देखेंगे मुझे, क्योंकि मैं ज्यादातर फ्लोर में ही बैठती हूँ। ये और एक जन आ गया, ओ बापरे इतना बदमाशी कर रही है ना, बहुत बदमाशी कर रही है। चलो हटो। तो अभी फ्लोर पे ही ज्यादा बैठूंगी, गर्मी आ चुकी है। मैं बैठ के पैर एकदम सामने लेके चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी अभी बाबाई के पापा आए हैं, क्योंकि उन्होंने कह के रखा था कि आज मशरूम की जो सब्जी है वो ही बनाएंगे, तो इसलिए मैंने सब कुछ अरेंजमेंट करके रख दिया है। आलू को फ्राई करके रख दिया है, मसाला पीस के रख दिया है, ऑनियन सब कुछ काट के रख दिया है। कलर आ चुका है, बहुत खूबसूरत कलर है। बाबाई के पप्पा बनाने हैं तो इसका कलर कुछ अलग ही होता है। तो कुकिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद खा के बताऊंगी कि आप लोगों को कि मशरूम की सब्जी कैसे बनी है। और साथ पे मैंने रोटी भी बना ली, और रोटी मैंने बहुत पहले बना लिया था। और लंच के लिए बनाया गया जो सब्जी सोयाबीन करी जो था वो खा के रोटी के साथ बाबाई सो चुका है, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे हैं, सुबह को बहुत पहले उठा था तो उसको बहुत जोरों की नींद आ रही थी तो वो खाके सो गया। तो दोस्तों ये बन चुका है मशरूम की सब्जी, गंध खुशबू, हाँ खुशबू तो इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि मैं आपको अगर बता सकती तो बता देती। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो पे बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, टाटा। और ये इतना अच्छा स्मेल, क्या बोलते हैं, सुगंध, खुशबू, हाँ खुशबू, तो इतना अच्छा खुशबू।